लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। नासिक सोमेश्वर मंदिर में शिवलिंग को ऑयल पेंट से रंगने का आरोप, गंगापुर पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। नासिक के सोमेश्वर मंदिर के शिवलिंग को ऑयल पेंट से रंग देने का मामला सामने आया है। इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने खुद निर्णय लेकर इस पुरातन शिवलिंग को रंग दिया। अब इस मामले को लेकर नासिक की गंगापुर पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद गोरे ने मंदिर के ट्रस्टी के साथ ही धर्मादाय आयुक्त की भी अनुमति नहीं ली थी। अब पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद गोरे का कहना है कि मैंने शिवलिंग को ऑयल पेंट से नहीं रंगा है, उत्सव के लिए मंदिर को रंगाया गया है। कई मंदिर को उत्सव से पहले रंग दिया जाता है, शिवलिंग रंग नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बात मंदिर को रंगाने को लेकर तो मैं माफी मांगता हूँ। उधर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने शिवलिंग को रंग देने की बात से इनकार किया है, तो दूसरी तरफ मंदिर के ट्रस्टी अविनाश पाटिल का कहना है कि मंदिर या शिवलिंग को रंग देने के बारे में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने किसी से भी इजाजत नहीं ली थी, ट्रस्टी को अंधेरे में रखा, जनरल मीटिंग में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने खुद ये फैसला किया है। हमने पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।